السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس.

अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का वो बाबरकत महीना जिसकी आमद का हम मादी करीब में शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे वो महीना आया साया फगन हुआ और अब ये महीना उसी बरक़ रफ़्तारी के साथ हमसे रुखसत हो रहा है ज़ाहिर सी बात है कि ये महीना जो आता है ये महीना इंसान के ईमान को चार्ज करने के लिए आता है जिस तरीक़े से आप एक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और कुछ देर इस्तेमाल करने के बाद उस मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है आपको उसको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है जब आप स्विच में उसको लगा देते हैं एक घंटा फुल चार्ज हो गया तो अब आपकी वो मोबाइल वो पूरे दिन चल सकती है पूरे दिन उसको यूज़ कर सकते हैं तो ऐसे ही रमजान का ये बाबरकत महीना जो साल में एक बार आता है एक महीने का होता है इससे होता क्या है कि इंसान के ईमान का चार्ज हो जाता है और ये चार्ज ऐसा होता है कि इसकी वैलिडिटी ये अगर देखा जाए तो साल के ग्यारह महीने की होती है जिस ईमान को ताजगी मिल जाती है ईमान चार्ज हो जाता है तो ये इसकी वैलिडिटी कितनी होती है ग्यारह महीने होती है कि ग्यारह महीने तक इंसान ये ईमान की ताजगी हो गई है और ईमान चार्ज हो गया है तो 11 महीने तक इसको चलना चाहिए लेफ़्ट राइट नहीं अल्लाह की खुशनुदी के लिए उससे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए इसलिए कि रमज़ान के रोज़े की फर्जियत का मकसद क्या है तकवा है तो इस क़दर उसको तकवा की एनर्जी मिल गई है कि साल के 11 महीने के लिए काफ़ी है अब अगर ऐसा कुछ नहीं है तो समझ लीजिए कि रमजान के महीने के ऐसे इंसान ने कदर नहीं किए जैसा करना चाहिए और यह है कि रमजान को जिस तरीके से गुजारना चाहिए था उस तरीके से इंसान ने गुजारा नहीं है अल्लाह ताला हमें जो भी अयाम बाकी हैं उनकी कदर करने की तोफ़ी अता फरमा मेरे दोस्तों एक चीज़ ये कही जाती है कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं गया वक्त फिर हाथ आता नहीं अगर ये रमज़ान के गुजरे हुए एयाम या रमजान के जो चंद एयाम और बाकी हैं अगर इनको ऐसे ही इंसान ने गंवा दिया फिर ये कीमती वक्त दोबारा आए कि ना आए किसी को कुछ पता नहीं कितने लोग पिछले साल हमारे साथ थे रमज़ान के रोज़े रखे नमाज ईद पढ़ी लेकिन ये रमज़ान आने से पहले वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो क्या पता कि आप सुस्ती में हैं गफलत में हैं माह रमज़ान को भी ऐसे ही गुजार रहे हैं माह रमज़ान का जो लुब्बे लबाब है कि रमज़ान के अख़ीर के दस दिन और इन दस दिनों में जो पाँच रातें हैं और आज अलहमदिल्ला तीसरी ताक रात है अगर ऐसे ही इसको सुस्ती और गफलत में गंवा दिया तो क्या पता कि आने वाला रमज़ान आपके हिस्से में आए कि ना आए तो इसलिए गया वक्त फिर हाथ आता नहीं तो इन सुनहरे और कीमती अवकात की आप कदर करें सही बुखारी किताब रिकाक हदीस नंबर छः हज़ार पचहत्तर अल्लाह के रसूल अलैहि वसम ने फरमाया कि नकबून अहतफरा कि दो ऐसी नेमतें हैं कि इन नेमतों के बारे में लोग खसारे में हैं घाटे में हैं मतलब क्या कि इन नेमतों की लोगों की अक्सरियत ऐसी है कि उनके यहाँ इन नेमतों की क़दर नहीं है वो दो नेमतें क्या हैं एक तो सेहत व तंदरुस्ती है और दूसरे फारग अवकात हैं जो आपके पास फारिग वक्त है तो लोगों की अक्सरीत इनकी क़दर नहीं करती है इंसान सेहतमंद है तंदरुस्त है सब कुछ है नमाज उसको वक्त पे पढ़ने की तौफीक नहीं होती रोज़ा रखने की तौफीक नहीं होती सदका और खैरात करने की तौफीक नहीं होती इस तरीके से इस सेहत व तंदुरुस्ती की कदर नहीं करता हाँ जब बिस्तर मरग पर हो जाता है तब उसको एहसास होता है कि अब हमें कुछ करना चाहिए तो ये है कि इस सेहत व तंदुरुस्ती की जो अल्लाह ताला ने दी है इसकी हम कदर करें ऐसे ही और ख़ाली वक्त इंसान अपने फारिग और ख़ाली वक्त को ऐसे ही लायानी चीज़ों में गंवा देता है जैसा कि हम सुन रहे हैं कि इंसान अपने घरों में बैठा हुआ है न कोई काम है न कोई और बाहर का मशगला है न बिज़नेस है न ऑफिस जाना है कहीं नहीं घर में है 24 फोर आवर घर में लेकिन इस ख़ाली वक्त की उसके यहाँ कदर नहीं है क़द्र यूँ नहीं है कि इस ख़ाली वक्त को वो सीरियल के देखने में ड्रामा के देखने में सोशल मीडिया पर यूट्यूब फेसबुक ट्विटर पर और दुनियावी अखबार के सुनने और देखने में बिजी रहता है और अपने वक्त को इस तरीके से ज़ाय कर रहा है जबकि ये अशर अख़ीर ये रमज़ान का लुब लबाब है इसमें चाहिए कि इंसान अपने अवकात को इन सुनहरे और कीमती अवकात की कदर करे और क़दर क्यों ना करे इसलिए कि अशर अख़ीर की क़दर अरस वाले ने की है कि इस अशर अखीर में और अशर अखीर की शब कदर में उस रब ने कुरान करीम जैसी मुकदस किताब को नादिल फरमाया फरमाया सूर कदर आयत नंबर एक कि हमने शब कदर में कुरान करीम को उतारा है तो जब अर्श वाले ने कदर की है तो हमें भी चाहिए आपको भी चाहिए कि हम शब कदर की ताकरतों की रमज़ान के अखीर अशरे की इस माह रमज़ान की हम कदर करें और वक्त को गनीमत समझाएँ वरना गया वक्त फिर हाथ आता नहीं ये वो वक्त है ये वो ज़िंदगी है ये ज़िंदगी के ये लम्हात हैं ये मिनट है ये सेकंड है इसके बारे में अल्लाह ताला कल आपसे बाज़ पुरुष होगा अगर इसको ऐसे ही आपने ज़ाय कर दिया सोरन तिरमिजी अबुआबू सिफत्याम हदीस नंबर टू फोर वन सेवन चौबीस सौ सत्रह सही हदीश। हदीश है तरगीब थ्री फाइव नाइन टू पैंतीस सौ बानबे हदीस राव हदीस अबू बरदा असलमी असलम रज़ील्ला तरमाते हैं फरमाते हैं कि रसूल अक्रम सम ने शाद फरमाया कि लतजुल कदम अब्दिन यौमयाम हत्यास अम्र ही़ फ़ीमा अफना व अन इम ही मद अनिलफ़ी व अन मिल ही मन आई नहीं तसब वफ़ी मन फ़क़ा व अन जिसम ही फ़ीम अबला इंसान के दोनों पाँव हट नहीं सकेंगे क़यामत के इंसान के दोनों पाँव हट नहीं सकेंगे यानि लाम हर इंसान से इन चीज़ों के बारे में सवाल होगा सवाल क्या होगा उसके उम्र के बारे में कि अपने उम्र को उसने कहाँ गंवाया जो हासिल किया इल्म के मुताबिक किस कदर अमल किया माल जो कमाया माल कहाँ खर्च किया और अपनी जिस्म के बारे में कि इस जिस्म को कहाँ खपाया ये जिस्म ये सेहत ये तंदुरुस्ती अल्लाह ताला ने दी थी तो इसको कहाँ लगाया किस चीज़ पे लगाया आज आप सेहतमंद हैं तंदुरुस्त हैं आपको चाहिए कि रमज़ान के अशर अखीर में और ख़ास तौर से ताक़रातों में आप रात को जागिए तिलावत क़ुरान कीजिए ज़िक्र असकार कीजिए दुआओं में अपना वक्त गुजारें ये आपका मामूल होना चाहिए यह है अपने जिस्म को नेक कामों में लगाना अगर ऐसा आपने नहीं किया और ऐसे ही आम रातों की तरह से इन ताक रातों को भी आपने गंवा दिया केल काल में इधर उधर लेफ्ट राइट में गप शप में टेलीफोन से लंबी गुफगू करने में इधर उधर में सोशल मीडिया पर ऐसे ही आपने इस वक्त को लगा दिया और इस बाबरकत रात को आपने ज़ाय कर दिया तो यकीन जानिए कि मैं नहीं कहता नबियों के सरदार अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम आमिना के लाल फरमाते हैं कि ऐसा इंसान हकीकत में महरूम है इसमें कोई शक नहीं चुनाचे सनरब किताबु किताबुस्याम हदीस नंबर सोलह सौ वन सिक्स डबल फोर रावी हदीस नस्बिन मालिक रजी अल्लाह तु हैं

से मुखातब होते हैं और कहते हैं कि देखो यह महीना साया फगन हो चुका है रमजान का महीना साया फगन हो चुका है और इस रमजान के महीने में एक रात है और उस रात की इबादत एक हजार महीनों से बेहतर है फी है ला मिन शहर इस रमदान के महीने में एक रात है जो रात एक हजार महीनों से बेहतर है यानी उस रात की इबादत एक हजार महीनों की इबादत से बेहतर है एक हजार महीने को आप महीनों में काउंट करें तो तिरासी साल चार महीने होता है फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन हो रे महा फ़कत हो रे जो इंसान इस रात के अजरो सवाब से महरूम हो गया तो वो हर भलाई से महरूम हो गया वाला युरम खैरोहा कल महरूम और इस रात की खैर से वही महरूम होता है जो हकीकत में महरूम होता है बदनसीब होता है इसलिए मेरे दीनी भाइयों आप शब कदर की ताक रातों की कदर कीजिए मैं खुवात से भी कहूँगा अपनी बहनों से भी कहूँगा कि आप भी कदर कीजिए रात को आप उठिए अल्लाह के रसूल वसल्लम का मामूल क्या था अम्मा आयशा रदी अल्लाह तहा कि वो सही बुखारी की हदीस क्या आप फरमाती हैं कि जब रमज़ान के अखीर के दस दिन शुरू होते थे अल्लाह के रसूल अपना तहबंद मजबूत कस लेते थे यानी इबादत के लिए पूरे तरह से तैयार हो जाते थे रातों को जागते थे अपने अहलोल को जगाते थे आपको भी चाहिए कि आप जागें अगर आपकी बीवी सो रही है अपनी बीवी को जगाइए इबादत के लिए उसको तैयार कीजिए और उसको शब कद्र की रगबत के सिलसिले में तरगीब में जो हदीसें हैं बयान कीजिए कि शब कदर की इबादत एक हजार महीनों की इबादत से बेहतर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए कि खुद जागते थे अपने अहलोल को जगाते थे अपने बीवी बच्चों को आप जगाइए और वो हदीस सामने, सामने रखिए वो हदीस सामने रखिए कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर रहम करे जो रात को उठता है किस लिए उठता है क्यामल के लिए नफ नमाज की अदायगी के लिए अपनी बीवी को जगाता है अगर बीवी जागने से इनकार करती है कथराती है तो अपनी बीवी के चेहरे पर पानी के छीटे मारता है और ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया ऐसी खातून पर अल्लाह ताला अपनी रहमतें निछावर फरमाए जो रात को उठती है किस लिए पकौड़ी समोसा बनाने के लिए हलवा पराठा बनाने के लिए कि शौहर बाहर जा रहा है रास्ते के लिए बना दे नहीं किस लिए कयामैल के लिए रात में उठ करके हजुद की नमाज के लिए नवाफिल के लिए उठती है और सिर्फ अपना ही नहीं अपने शौहर को भी जगाती है शौहर अगर उठने में सुस्ती और कोताही करता है तो उसके चेहरे पर पानी के छीटे मारती है अल्लाह ताला हमारी औरतों को ऐसा ही बनाए और हमें भी ऐसा बनाए कि हम आम दिनों नहीं तो कम से कम रमजान में तो रमजान में खास तौर से शब कदर में ये चीज़ें कर लें मुमकिन है कि अल्लाह ताला हमारी नेकियों को कबूल फरमा ले और ये नकियाँ ये हमारे अमाल साल हमारे लिए ज़रिए निजात बन जाए दुनिया की जो ये परेशानियाँ हैं जो ये बीमारी है जो बलाएँ हैं जो वबा है मुमकिन है कि अल्लाह तबारक ताल हमारे इन आमाल के सिले में अल्लाह तबारक ताल इन आमाल को कबूल करते हुए अल्लाह ताली हमारी इन शानियों को दूर फरमा दें और चूंकि इन औकात की कदर करें इन लम्हा की हम कदर करें क्योंकि हम में से किसी को नहीं मालूम कि आने वाला रमदान हमको मिले कि ना मिले तो इसकी हमें कदर करनी है और इसको ऐसे ही आम दिनों की तरह से और आम रातों की तरह से हमको ऐसे ही नहीं ज़ाय करना है और दूसरी चीज़ जो बहुत ही अहम है कि जो भी आमाल साल चाहे वो रोज़े की शक्ल में तिलावत क़ुरान की शक्ल में ज़िक्र असकार की शक्ल में अम्र बिलरूफ़ व नही मुनकर की शक्ल में सिला रहमी की शक्ल में सदक़ा ख़ैरात की शक्ल में जिस भी शक्ल में हमने जो भी आमाल साल बारगाह इलाही में पेश किए हैं या पेश करेंगे उनकी कबूलियत के बारे में हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए आइए आपके सामने सुरन त्रिमिदी के हवाले से किताब तफसीर की वो हदीस जो हदीस नंबर थ्री वन सेवन फाइव है और इस हदीस को रवायत करने वाली अम्मा आयशा रजील्ला हैं ہیں هيك سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق: ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون. हम य खाफून अल्लाकबल हम अम्मा आयशा रदी अल्लाह फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्हसम से इस आयत के बारे में पूछा वह आयत सूरत ममनू की वल्ल नू नमा आ तो वो बहुम व चिला जिन्हें अल्लाह ताला ने दिया है उसे वो देते हैं वल्ली नू नमा आ जो उन्हें अता किया गया उसे वो देते हैं यानी अपने माल को राह खैर में खर्च करते हैं व कलूब हम व जिला और उनके दिलों के अंदर कप कपाहट तारी होता है लर्जा तारी होता है कहती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह बैठती हूँ सवाल करती हूँ अहमुल्लदी नमर वयसरकून क्या ये लोग शराब पीने वाले हैं क्या ये लोग चोरी करने वाले हैं अल्लाह के रसूल सल्हम बड़े ही सुनहरे अंदाज में मुश्फकाना अंदाज में कहते हैं लाया बिनत सिद्दीक नहीं अद्दीक की बेटी अबू बकर रजी अल्लाह तू की बेटी मामला ये नहीं है जो तुम समझ रही हो बल्कि मामला ये है कि ये तो वो लोग हैं वाला किन्दीना यसूम व युसल्लून व तसदून ये तो ये वो लोग हैं जो रोज़े के पाबंद हैं नमाज के पाबंद हैं सदका व ख़ैरात के पाबंद हैं ये तो वो लोग हैं जो फ़राइज और नवाफिल के पाबंद हैं सिर्फ फ़राइज है नहीं फ़राइज के साथ नफली इबादतें भी करते हैं लेकिन इनके दिलों के अंदर कप कपाहट और लर्दा क्यों तारी होता है यह हालत इनकी क्यों होती है वला ये खाफून इन किन्फून अल्लाहबलाब को यह डर लगा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी ये सारी इबादतें बार गाहे इलाही में शर्फ़ कबूलियत को ना पहुँच सकें अल्लाह ताला इन्हें कबूल ना फरमाए सुबहान अल्ला मेरे दोस्तों मेरे दीदी भाइयों ये सहाबे कराम थे जब अमल करते थे तो अमल करने पर आमाले सालिहा पर ये इतराते नहीं थे बल्कि अमल करते जाते थे और उसकी कबूलियत के लिए दुआएं भी करते थे और दिल के अंदर एक किस्म का डर भी लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो हमारी ये नीकिया अल्लाह की, की बारगाह में कबूल ना हो ये वो सहाबिक क़राम थे कि इबादत के कबूल होने की तमाम शर्तें इनके यहाँ पाई जाती थी इनकी इबादतों के अंदर खलूस हद दर्जे का होता था और यह है कि साथ ही साथ इनकी इबादतें नबी करीम अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हुआ करती थीं लेकिन इसके बावजूद ये इस कदर अमल की कबूलीत के बारे में फिक्रमंद रहा करते थे और आज हमारा और आपका हाल क्या है हमारे माशरे और सोसाइटी का हाल क्या है चंद वक्त की नमाज़ें पढ़ ली रमज़ान के रोज़े रख लिए और माल के कुछ जक़ार निकाल दिया सदका व खैरत कर दिया तो वह लोग जो उससे इबादत में कुछ कोता है उनको हकारत की निगाह से देखता है और समझता है इस रुए ज़मीन पर अगर खैर करने वाला कोई इंसान है तो मैं ही हूँ ये गलत फहमी है ये फ़िक्र गलत है आप जो भी अमल किए हैं कर रहे हैं उसके कबूल होने की भी दुआएं कीजिए और उस अमल पर आप इतराइए नहीं और दूसरे लोगों को हकीर कमतर मत समझिए तो आखिर में मैं आप तमाम हजरात से तमाम सदीन से ये गुज़ारिश करना चाहूँगा कि अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए ये वक्त बहुत कीमती है ये रातें बड़ी कीमती हैं जो गुज़र रही हैं इनकी क़दर कर लीजिए वक्त को ज़ाये मत कीजिए वक्त को सीरियल ड्रामा और यह कि सोशल मीडिया पर ख़बरों के सुनने और देखने में अपने अवात को ज़ाय मत कीजिए अपने इन अवकात की क़दर कीजिए इसलिए कि की पता नहीं ये वक्त आइंदा हमको मिले कि न मिले गया वक्त फिर हाथ आता नहीं अपनी बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि वो भी इन रातों की क़दर करें इन लम्हात की कदर करें रमज़ान रखसत हो रहा है उनकी पूरी एनर्जी सिर्फ इसमें ना हो कि इफ्तारी में हमको क्या बनाना है इफ़ारी में क्या चीज़ें दस्तरखान पर होनी चाहिए इफ्तारी ख़त्म हो गई खाने में क्या होना चाहिए खाना ख़त्म हो गया शहरी में क्या होना चाहिए इस तरीके से बाज़ खवातीन के बारे में चीज़ें सुनने में आती हैं बाद घरों के बारे में कि उनकी पूरी एनर्जी सिर्फ खाने पीने में और कौन सी डिश बनानी है कैसा करना है सुबह क्या लाना है क्या नहीं लाना है इसी में गुज़र जाती है और पूरा रमज़ान उनके यहाँ ये होता है कि ये खाने का सीज़न है और ये ज़ुबान की ताजगी लेने का सीज़न है हकीकत में देखा जाए तो मेरे दीनी भाइयों ये महीना अक्ल शुरब का नहीं है खाने पीने का महीना है ये महीना तकवाशारी का है यह है कि रोज़े के लिए हैं तो कुछ चीज़ें आप बना लीजिए जिसकी वजह से आपके बदन को ताकत और ख़ुराक पहुँचे और उसकी बुनियाद पर वो चीज़ें वो ताकत और वो एनर्जी आपके लिए क़्यामल के लिए आपके लिए तलावत कुरान के लिए, लिए रोज़े के लिए वो मुआवन साबित हो तो इस तरीके से अपने नईम को गुजारना चाहिए अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें वक्त की कद्र की तोफ़ीदा फरमा और ख़ास तौर से अशर अख़ीर की जो ये ताकरतें हैं जो ये कीमती अवकात हैं ये बड़ी तेज़ी से गुजर रहे हैं अल्लाह तबारक ताल हमें इन अवात की और इन सुनहरे लम्हत की कदर करने की तोफ़ीकदा फरमा और हमारी तमाम इबादतों को अल्लाह तबारक ताला जो हम तेरी बारगाह में पेश कर रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें सरफे कबूलियत से नमाज़ दे और हमारी हालतों पर रहम फरमाते हुए अल्लाह ताला जो ये वबा मुंतशिर हो रही है और बड़ी तेज़ी से फैल रही है अल्लाह ताला इस वबा से और इस बीमारी से और वो तमाम किस्म की बीमारियाँ जो आने वाली जिसे हम नहीं जानते उन तमाम बीमारियों से अल्लाह तबारक ताली هم تمام لوگوں كي فرما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته